इस बार मैंने भी तय कर लिया है, उसकी जिद या उसकी मर्जी के सामने मैं ढेर नहीं होंगी। अब तुम बात को बढ़ा रही हो। मेरा वो खुद चल कर आया है और मुझे नहीं लगता इस बार वो कोई जिद कर रहा है या तुम्हें अपना कोई हुक्म सुनाना चाहता है। बहुत आजजी से मिन्नत करने आया तुम्हारी बेटा। अम्मी सुनो, उसी का मैसेज होगा, कह रहा था कि मैं खुद मायरा को मैसेज करता हूँ। माफ कर दो यार, ये गलती की माफी तो सबको मिल जाती है, एक बार बस एक बार आकर मुझसे मिल तो लो प्लीज। ये सब उसके ड्रामे है अम्मी, आप लोगों के सामने अच्छा बनता है और कमरे में मेरे साथ उससे बड़ा शैतान और मकरू आदमी कोई नहीं। बेटा वो इस घर का दामाद है और उसने प्लीज प्लीज की रट लगा रखी है। अब तुम मुझे बता दो कि ऐसा उससे क्या कहूं कि वो जिद छोड़ दे, क्योंकि तुम तो जिद छोड़ने वाली नहीं लग रही। अम्मी इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मैं आप पे करती हूँ, आप ही मेरा सब कुछ है, तो उससे जाके कहे उसे जो कुछ मुझे कहना है वो आपसे कह दे। ठीक कर रही है वो, ये कर रही है वो, मुझे ऐसे इंसान के साथ ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, अपनी बीवी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अगर उसे मिले बगैर सलमान गया तो सीधा कब्र में जाएगा। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो सलमान? करे बेटा, अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? आप जाकर बता दे उसे, जितना बच्चा ये उसका है उतना मेरा भी है, और मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, अपने बच्चे की माँ से मिले उससे माफी मांगे बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। सलमान नहीं जाऊंगा मैं। अरे बेटा ये, अरे क्या कर रहे हो बेटा? बैठ गयो सलमान, उठो यार। जी मैं यही बैठा हूँ। नीचे मत बैठो बेटा, ऊपर उठो। नहीं नहीं नानी, मैं यहाँ बैठा रहूंगा जब तक मायरा आके मुझसे मिल ले लेती। मायरा सुन रही हो ना, जब तक तुम मुझसे मिल ले लोगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। जमीन पर मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा तुमको। मैं यही डिजर्व करता हूँ मानी, यही डिजर्व करता हूँ मैं। माफ कर दो मुझे मायरा, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, एक बार मिल लो मुझसे। इतनी अना, इतना घमंड, इतना क्रोध भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, मत भूलो तुम एक औरत हो और वो मर्द। अरे तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। जिस बच्चे की खातिर तुम मुझे इतनी सलवाते सुना कर आई हो, अरे उसी बच्चे के लिए गाड़ी भर कर खिलौने और सामान लेकर आया है वो। जिस मां बनने पर तुम इतना इतराती फिर रही हो, उसी बच्चे की कसम खाकर कह रहा है कि वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ शराफत से, सीधी तरह चलो अपने शौहर से, होने वाले बच्चे के बाप से चलकर मिलो। आओ, हाथ पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूं। पागल हो गया था मैं, बिल्कुल पागल हो गया था, सच बोलो तो डर गया था मैं। किसी भी मर्द के लिए बेरोजगारी इतना बड़ा हासिल मैं तुम सोच नहीं सकती। मैं सोच के डर गया था कि मैं खुद को और तुम्हें ठीक से नहीं पाल पा रहा, तो इस नन्ही जान की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा मैं? सिर्फ इसी ख्वाब में मतलब कर मैं क्लिनिक में गया था, यकीन करो मेरा, मैं सिर्फ इसी ख्वाब की वजह से गया था। मुझे माफ कर दो मायरा, मुझे माफ कर दो, मैं रोज खुदा से गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहा हूँ अपने किए कि मुझे माफ कर दो मायरा।
तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ डर गया था, मैं सिर्फ डर गया था, लेकिन अब मैंने अपना अपना सारा सारा भरोसा सारा यकीन अल्लाह ताला से जोड़ लिया, सिर्फ अल्लाह ताला से। अगर वो हमें औलाद से नवाजना चाहता है तो मैं कौन होता हूँ यकीन ना करने वाला। वो अल्लाह तो तुम्हारा मेरा पूरी कायनात का पालने वाला है मायरा। मैं अल्लाह से भी माफी मांग रहा हूँ। देखो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ने हमारे बच्चे के बारे में हमसे बहुत अच्छा सोचा होगा। उसे एक मौका दे दो, उसे माफ कर दो। मैं खुदा से ही माफी मांग रहा हूँ, तुम भी माफ कर दो, गुनाह के लिए माफ कर दो मुझे मायरा। चलो हटो, उठो, शाबाश, उठो चलो। नहीं नानी नहीं, मैं जानता हूँ मैंने कितनी गिरी हुई हरकत की है, मैं जानता हूँ। सिर्फ मेरी बीवी है जिसका हाथ थाम कर मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ, वरना कभी नहीं। माफ कर दो गुनाह के लिए, माफ कर दो मुझे माया। एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका दे दो मुझे। अरे हाथ पकड़ के खड़ा तो कर दिया उसने, मगर देख लो तब से कमरे में जाकर बैठी हुई है। हम आप फिक्र नहीं करें, अभी चाय पर बिठाती हूँ दोनों को एक साथ। चलो ठीक है, लेकिन तुम मत बैठना उनके साथ चाय पर, अरे सलमान खुद ही मना मना लेगा उसे। जी अम्मा। कौन सा बंदा है जो बेऐब है इस दुनिया में? सलमान में भी होंगे लाखों ऐब, लेकिन ऐसी खासियत, ऐसी आजिजी, अरे देखी है भला कभी किसी मर्द में? कैसे आंसुओं से रो रहा था, अरे फकीरों की तरह बैठा हुआ था जमीन पे हाथ जोड़कर। मायरा को तो अपने शौहर के पांव धो धो के पीने चाहिए। अम्मा चाय के साथ बिस्किट काफी रहेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, टाइम तो वैसे खाने का हो रहा है। देखो अगर मायरा ने उसे सीधे मुंह बात कर ली ना, तो तुम उसे खाने पे रोक लेना। जी। इतना कुछ वो लेकर आया है मायरा के लिए, अपने बच्चे के लिए, तुम भी ना उसे खाली हाथ मत भेजना। जी अम्मा। अरे वो मर्दाना शलवार कमीज के जोड़े रखे हैं ना, दो जोड़े निकाल के उसमें से उसे दे दो। बल्कि ऐसा करो कि एक जोड़ा दे दो और कुछ नकदी उसके हाथ पे रख दो। बेरोजगार है, हालात खराब है उसके, ऊपर से इतना खर्चा करके आ गया है मायरा और बच्चे के लिए। आपके ख्याल में कितना कैश दे दूं? hey, इन हालात में मरे से मरे 10,000 तो दो कम से कम।